नमस्कार, मेरा नाम अमलेश, सब सबका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम लोग बात करेंगे कि ग्रो एप्लीकेशंस को अपडेट कैसे करें। अपडेट करने का जो फ़ायदा होता है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। आपके जानकारी के लिए बता देते हैं कि अपडेट जो एप्लीकेशन जहाँ पे आप शेयर खरीदते हैं फिर ट्रेडिंग करते हैं, उसमें अगर कुछ भी बदलाव किया जाता है कंपनी के द्वारा, जो कि ग्रो एप्लीकेशन है, ग्रो कंपनी के मालिक के द्वारा, उसके डेवलपर के द्वारा कुछ नए फीचर्स लाया जाता है, कुछ बदलाव किया जाता है, तो अपडेट करेंगे तब जाकर के आपको मिलेगा। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि अपडेट कैसे करते हैं। अपडेट करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, अगर अपडेट नहीं करिएगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है आपको कई तरह का प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाए। तो चलिए सिंपल से पहले आप ग्रो एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिएगा। हम ओपन कर लिए हैं, और इसका जो भी लॉगिन प्रोसेस है, आप कोड दिए होंगे, आप स्क्रीन शॉट या फिर फिंगरप्रिंट्स लगाए हों, वो अपना यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे देखिएगा, ये आपका एप्लीकेशन हो गया, लेकिन इसमें जो है ना, जो आपको बदलाव दिख रहा है, ये जो स्क्रीन आपको दिख रहा है, तो इस तरह का स्क्रीन से दिखता है, लेकिन हम अभी देखने वाले हैं अपडेट कैसे करते हैं। तो उसके लिए सिंपल से हमको चलना है कहाँ पे, प्ले स्टोर में, ठीक है, कहाँ पे, प्ले स्टोर में। तो प्ले स्टोर को अपने मोबाइल में प्ले स्टोर को ओपन कर लीजिएगा, और ओपन करने के बाद में आपको स्क्रीन पे ऊपर जो आपको ऑप्शन से दिख रहा होगा, तो यहाँ प्रोफाइल, इस पर क्लिक कीजिएगा। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे देखिएगा, आपका जो ईमेल आईडी होगा दिखेगा, उसके बाद में यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिखेगा मैनेज ऐप एंड डिवाइस, तो आपको इसी पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे उसके बाद में यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन दिखेगा। जितने भी आपका एप्लीकेशन होगा मोबाइल में इंस्टॉल, उसमें अपडेट हुआ होगा, कुछ बदलाव किया गया होगा, तो यहाँ पर दिखेगा, आपको इस पर करनी है क्लिक। अब इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जितने भी एप्लीकेशंस होंगे आपको यहाँ पे लिस्ट बाय लिस्ट आपको देखने को इस तरह मिल जाएगा। तो अभी जो अभी सिर्फ क्या दिख रहा है, ग्रो एप्लीकेशंस दिख रहा है, यानी कि सिर्फ अभी यही, इसमें बदलाव किया गया था, हम इसमें अपडेट करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखिए यह डाउनलोड हो रहा है, जो फीचर्स नया आया है वो डाउनलोड हो रहा है, और ये डाउनलोड हो जाएगा, उसके बाद में आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आप फिर से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं। तो इस तरह के यहाँ पे जो भी फीचर्स आया होगा, इसमें अपडेट हो गया होगा, अब नया फीचर्स आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह जो भी बदलाव किया जाता आता है, आप भी इस तरह कर लीजिए। बाकी अगर किसी भी तरह का कोई जानकारी चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जो फॉलो कीजिएगा।